फाइनेंस और एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट का अनाउंसमेंट 21 अप्रैल को करने जा रही है। अनाउंसमेंट में रिजल्ट के साथ साथ यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी होता हुआ नजर आएगा, तो इस कंपनी को आपको अपने वॉचलिस्ट में जरूर रखना चाहिए। हम यहाँ पे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे वॉचलिस्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमने जिस कंपनी का नाम लगाया है, यह कंपनी का नाम है प्राइम सिक्योरिटी लिमिटेड। यह कंपनी 21 अप्रैल को अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने जा रही है और इस समय जो शेयर प्राइस है ये 113 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इस स्टॉक में इस न्यूज़ के हिसाब से इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं, तो जिसके लिए हम इस कंपनी के शेयर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे चार्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे प्राइम सिक्योरिटी लिमिटेड का चार्ट लग जाता है। इसका चार्ट जो देखने में आता है कि काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में स्टॉक का भी नज़र आता है, जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैनेज करते हुए चलते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एलएम इंडिकेटर का 112 का ये सपोर्ट लेते हुए कामकाज कर रहा है और जो रेजिस्टेंस है इसका ये 116 का बना हुआ है। आने वाले समय में अगर स्टॉक 114 के लेवल को होल्ड करते हुए ऊपर निकलता है तो स्टॉक में यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक जो है यहाँ से 120 से लेकर 125 प्लस के अपसाइड के लेवल ये स्टॉक में दिखा सकता है। अगर वहीं पर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आता है ये एलएम इंडिकेटर के नीचे का एक लेवल जो 112 पे है, ये पहला सपोर्ट का काम करेगा और जो दूसरा सपोर्ट है ये 105 पे देखने को मिलता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चलते ये स्टॉक में हमें अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ ही एमएसडी इंडिकेटर में भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। इस न्यूज़ के चलते अगर यहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो बाय बटन ऊपर देखने को मिलती है, सेल करना चाहते हैं तो सेल बटन भी यहाँ देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसी स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी 10 क्वांटिटी में ऑर्डर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी टाइप करूँगा, शेयर प्राइस यहाँ पे मैं एज इट इज़ रहने दूँगा और यहाँ पे जो मुझे मार्जिन लगने वाला है वो मुझे देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ इस स्टॉक की 10 क्वांटिटी टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है कि इस स्टॉक में जो मार्जिन लगेगा करंट प्राइस के साथ ये 1137 रुपीज़ लगेगा। नीचे बाय बटन देखने को मिलेंगे, इस पर क्लिक करना है, कंफर्म ऑर्डर पर प्रेस करना है। अभी यहाँ पे मार्केट बंद है तो मैं हमारा ऑर्डर जो है ये आफ्टर मार्केट लगेगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे ऑर्डर को यहाँ सबमिट कर देंगे। आपको देखने को मिलेगा कि हमारा ऑर्डर यहाँ पे सबमिट हो चुका है और यह ऑर्डर जो है पेंडिंग में जा चुका है। अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो यह ऑर्डर हमें पोजिशन में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इतना ईजी इतना आसान होता है एनजीवन एप्लीकेशन में ऑर्डर को पुट करना। इसके साथ ही अगर इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो वापस आपको स्टॉक के ऊपर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्टॉक डिटेल देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फंडामेंटल देखने को मिलता है और फंडामेंटल पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्टॉक की जानकारी मिल जाती है। यहाँ पे यह कंपनी फाइनेंस और एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैपिटल का 363 करोड़ का है। 1 ईयर का रिटर्न, सेक्टर का रिटर्न, मार्केट का रिटर्न देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही फंडामेंटल रेशियो और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने को मिल जाता है। फंडामेंटल रेशियो में पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, ईवी टू ईबीटा, ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ईवी टू सेल्स, डिविडेंड यील्ड, आरओसीई, आरओई आपको देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस कंपनी में कितने परसेंट शेयर के होल्डर्स के पास है, मतलब कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है। तो यहाँ पे सितंबर दिसंबर का डाटा का हम देखते हैं तो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग में कुछ चेंजेस किया है जो कि पॉजिटिव साइड में है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया है, लेकिन वहीं पर हम इंश्योरेंस कंपनी और अदर डीआईआई की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इन सभी ने कुछ ना कुछ होल्डिंग अपनी घटाई हुई है। तो इस कंपनी के चलते आप इस स्टॉक को अपने मार्केट वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन नहीं किया है तो बेस्ट ऑफर्स की अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन होता है, साथ ही 1 ईयर का एमसी चार्जेस आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करें। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।